नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे शांत रहने की कला। एक समय की बात है, संध्या का समय था। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, उपदेश देते रहे और कई शिष्यों ने अलग अलग प्रश्न किए, सभी के प्रश्नों के उत्तर देते गए। अचानक से एक आदमी वहां आया और वो महात्मा बुद्ध को अलग अलग अपशब्द कहने लगा। लगातार वो अपशब्द कहता रहा और कहते कहते कुछ समय बाद शांत हो गया। लगातार अपशब्द कहता रहा और कहते कहते जब वो थक गया तो वापस चला गया। चले जाने के बाद कुछ समय बीत गया। कुछ समय के बाद उनके एक शिष्य ने पूछा, महात्मा, हे गुरु महाराज, आपने उस व्यक्ति के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जो आपके बारे में लगातार अपशब्द कहता रहा, आपने उसके विषय में कुछ नहीं कहा। तब महात्मा बुद्ध जी उसे समझाते हैं कि जैसे कोई आपको उपहार देने आए, अगर आप उसे न स्वीकार करें, न ले, तो उपहार किसके पास रहेगा। तभी शिष्य कहता है, जो लाया है उसी के पास रह जाएगा। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, उसी प्रकार उस व्यक्ति के नकारात्मक चीजों को मैंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह उसी के पास रह गए। तो यह छोटी सी कहानी हमें यह सीखने को देती है कि अगर हमें कोई बुरा भला कहता है या अपशब्द कहता है या हमारी बुराई करता है तो उसे हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जो जैसा होगा वैसा ही रहेगा। आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे,